बात ग्वालियर की करेंगे, जहां पर ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में बीती रात एक मादा शावक का कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई है। यह महज 4.5 माह का था। अपनी अटखेलियों से जू में आने वाले पर्यटकों खासकर बच्चों को बहुत रिझाता था। आज सुबह पहले ही विशेषज्ञों ने मादा का पोस्टमार्टम किया है, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के समय नगर निगम के अनेक अधिकारी और चिड़ियाघर के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। मृतक शावक न केवल देश बल्कि दुनिया के दुर्लभ प्रजाति का सफेद शावक था, जिसके लिए रीवा मशहूर है। अप्रैल में एक मादा ने एक साथ 3 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से यह मादा सफेद प्रजाति का था। इनका नामकरण संस्कार अभी नहीं हुआ है। ये मादा मीरा टाइगर थी, उसमें जो है 21 अप्रैल को जो है 3 शावकों को जन्म दिया गया था। उसमें 2 पीले थे और 1 सफेद था। उसी में से जो एक मादा शावक थी जिसकी आज डेथ हुई है, जो है लगभग 4 महीने इसकी उम्र थी जो है। और कल शाम को इसको अचानक फिर से आए 6:30 बजे के मध्य, तब तक उसको आइसोलेट किया, उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच नहीं सके। आज उसका पशुपालन विभाग के जो डॉक्टर हैं उनका एक दल बनाया गया था, उस दल के द्वारा इसका विस्तृत PM किया गया है। इसकी जो PM की रिपोर्ट, विसरा वगैरह की जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो हम लोग बाहर भेज रहे हैं जाँच के लिए। वो जैसी आएगी तो एक्चुअल डेथ ऑफ कॉज मालूम पड़ेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। इनिशियल स्टेज में जो है हार्ट का बताया है डॉक्टरों ने कि उसका हार्ट काम नहीं कर रहा था। जो 2 बच्चे हैं वो उनकी अब कैसे हैं, उनके पास कैसे हैं अभी 2 बच्चे? अब नेचुरल है कि जब किसी परिवार में से कोई जाता है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, तो दूसरे जानवर भी जो है थोड़े सुस्त होते हैं। अभी वो भी उनके बच्चे जो है थोड़े सुस्ती दिख रहे हैं, उनके उनके इतने एक्टिव नहीं है। उनकी देखरेख किस तरह से की उनकी देखरेख के लिए हमारे